आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और मेरा दोस्त रवि, हमने एक साथ अपनी स्कूलिंग पूरी की और इंजीनियरिंग के एडमिशन टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास करके एडमिशन लिया। मैं चूंकि आईटी में पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर मेरा दोस्त रवि, जो बचपन से मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था, उसने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। और अब वो और मैं अपने घर से बाहर निकल गए थे अपने आगे की ज़िंदगी को साधने। उन दिनों चूंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थे, इसलिए हम लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए। पहले सेमेस्टर की परीक्षा के बाद हमारी तकरीबन 20 दिनों की छुट्टी होने के कारण जब मैं घर आया तो रवि मुझसे मिला, एकदम दुबला और दिमागी तौर पर टूटा हुआ। मैं तो उसकी हालत पर चौंक हो उठा। पूछने पर मालूम हुआ वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, वो जाने के कुछ दिनों के भीतर ही वापस आ गया था। पहले तो वो अपने बारे में कुछ बोलने को राजी ही नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने उस दिन के बारे में बतलाया। उसको जब चेन्नई में एडमिशन मिला था तो उसकी खुशी सातवें आसमान पर थी। वहाँ पर उसे एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी मिल गई। हॉस्टल का नाम था माँ सरस्वती बॉयज हॉस्टल। शाम का समय था, वो जब अपने सामान के साथ पहुँचा और वहाँ पर एक कमरा मिला जो छठवीं मंजिल पर था। सामान रख रात का खाना खाने डाइनिंग हॉल में पहुँचा, अकेला एक टेबल पर बैठ गया और अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने लगा। एकाएक उसके पड़ोस की कुर्सी खींचकर कोई बैठा और फिर आंखें उठाकर देखा तो पाया कि कुर्सी पर एक लड़का बैठा उसे घूर रहा था। नए हो? आज ही आए हो? कहाँ से आए हो? हिंदी आती है या सिर्फ तमिल बोलते हो? आंखें मिलते ही प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। सारे प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर देते ही अगला प्रश्न दागा, किस रूम में हो? जैसे ही जवाब में कहा कमरा नंबर 63, तो उस लड़के के हाथ की प्लेट नीचे गिर गई। क्या 63 नंबर? अभी चलो वो कमरा छोड़ दो, मेरे कमरे में रह लो, कल दूसरा कमरा ले लेना। पर रवि नहीं माना। वो लड़का बोला, अगर जरूरत हो तो रात में हमारे कमरे में आ जाना, बिना किसी बहादुरी दिखाए। आखिर खाना खाकर जब रवि अपने कमरे में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उस छठी मंजिल पर उसके अलावा और कोई नहीं था। बड़ा अजीब लगा, 5 मंजिल पूरी तरह से भरे थे और इस मंजिल पर कोई क्यों नहीं है। खैर, वो सारे दिन की थकावट के बाद सो गया। रात में करीब 12 बजे होंगे जब उसकी नींद खुल गई। कमरे की बत्ती जल रही थी, उसे अच्छी तरह से याद था वो बत्ती बुझा कर सोया था। बत्ती में उसे नींद नहीं आती थी, पर एकाएक उसकी नज़र स्टडी टेबल पर पड़ी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, सारे शरीर के बाल खड़े हो गए, रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। अब उसे समझ में आने लगा उस लड़के ने क्यों उसे वो कमरा तुरंत छोड़ने को कहा था। उसने देखा कि स्टडी टेबल पर एक छाया, हाँ छाया कहना ही ठीक रहेगा क्योंकि उसके शरीर को रवि देख नहीं पा रहा था, पर सिर्फ छाया ही दिख रही थी। वो मन लगाकर उसकी किसी किताब को पढ़ रहा था, पर जब उस छाया को महसूस हुआ कि रवि उसे देख रहा है तो उस छाया ने अपने सर को घुमाकर उसकी ओर देखा। उस विभत्स चेहरे को देख रवि की चीख निकल गई। वो सिर्फ एक छाया प्रतीत हो रही थी, पर उसके चेहरे पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, आंखें बाहर को ठेल कर जैसे गिरने वाली हों। अंदर से खून की रंगत और नसें साफ दिख रहे थे, नाक और मुंह के कोरों से पतली बहती खून की धारा उस चेहरे को और भी डरावना बना रहे थे। तभी एकाएक वो छाया उठी और रवि की ओर बढ़ने लगी।
रवि पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कमरे से बाहर को भागा, पर वो जिधर भी जा रहा था वो रास्ता रोक देता। सिर्फ एक छत की सीढ़ी पर जैसे वो रवि को ले जाना चाहता हो। हॉस्टल की छत अंधेरे में एक विशाल अंधकूप सा प्रतीत हो रहा था। तभी रवि ने महसूस किया कि छत पर आते ही जैसे उसका अपने शरीर पर से नियंत्रण नहीं रहा और वो धीरे धीरे छत के कोने की ओर खिसकता जा रहा था। तभी उसे एक कोलाहल सुना और साथ ही कुछ लड़कों को हाथ में मशाल लिए उसकी ओर आते देखा। वो छाया उनकी उपस्थिति से एकाएक गायब हो गई और रवि अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने खुद को हॉस्टल के मेडिकल रूम में पाया, चारों ओर से लड़कों से घिरा हुआ। उसको मालूम हुआ शाम को जिस लड़के ने उसको अपने पास बुलाया था, लेकिन जब रवि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो वो कुछ सीनियर्स के पास जाकर सारी बात उन्हें बताता है और सब लोग बारी बारी से पांचवी मंजिल से रवि के कमरे की निगरानी में थे। जैसे ही उनको खबर मिली कि रवि अपने कमरे से चीखता हुआ निकला है, सभी मशाल जला ऊपर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि किसी ने बताया था आत्मा आग से डरती है और भाग जाती है। इस तरह रवि की जान तो बच गई, पर उस पर डर इतना हावी हो गया कि वो सब छोड़कर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं सुंदर और विशाल, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। हालांकि विशाल हमारे गांव का नहीं था, मगर मैं और सुंदर हम दोनों एक ही गांव के थे। हम तीनों का खाना पीना, उठना बैठना सब एक साथ में ही होता था। एक बार की बात है, उस दिन विशाल का जन्मदिन था। पहले जब हम छोटे थे तब उसके घर वाले उसका जन्मदिन दिन में मनाते थे और शाम होने से पहले पहले खाना पीना सब कुछ निपट जाया करता था। मगर पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 2 सालों से विशाल का जन्मदिन रात में मनाया जाता आ रहा है और ऐसा कोई साल नहीं जब मैं और सुंदर हम दोनों विशाल के जन्मदिन में ना शरीक हुए हों। तो इस बार भी हमारा जाना बनता ही था। लिहाजा मैंने और सुंदर ने अपना अपना साइकिल निकाला और शाम के तकरीबन 6 बजे तक हम लोग निकल पड़े विशाल के गांव की ओर। विशाल का गांव हमारे गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए हम शाम को ही निकल गए। घर वालों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर लौटने में ज्यादा रात हुई तो विशाल के घर में ही रुक जाना, मगर हम घर वालों की बात कहां सुनने वाले थे। खैर, कुछ ही देर में हम लोग विशाल के घर पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ 2 लोग ही उसके दोस्त थे, वहां पर उसके गांव के काफी सारे लड़के मौजूद थे। धीरे धीरे सारा कार्यक्रम शुरू हुआ और रात के 9 बजे तक खत्म भी हो गया। विशाल के घर पर अब सिर्फ हम 2 दोस्त ही मौजूद थे। हम ये सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, घर के लिए निकलना चाहिए या फिर आज की रात घर वालों की बात मानकर विशाल के घर में ही रुक जाना चाहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर तभी सुंदर ने मुझसे कहा, भाई चल घर चलते हैं, विशाल के इतने सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर, हम कहाँ रहेंगे, चल साइड से निकल लेते हैं। सुंदर की बात तो ठीक ही थी, विशाल के काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, ऐसे में हमारा वहां रुकना ठीक नहीं होता। फिर क्या था, छुपके छुपाते बिना किसी को बताए हम दोनों ने अपना अपना साइकिल लिया और अपने गांव की तरफ निकल पड़े। बिना किसी को बताए इसलिए क्योंकि अगर हम विशाल को अपने निकलने की जानकारी देते तो वो हमें उसके घर से टस से मस नहीं होने देता। खैर, रास्ते पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स
नजर नहीं आ रहा था, और क्योंकि बात काफी पुरानी है इसलिए रास्ते का ये नजारा लाजमी ही था। रास्ते के अगल बगल जंगल होने के कारण रात कीड़ों की आवाज लगातार हमारे कानों में आए जा रही थी, साथ ही साथ मौसम के हालात भी कुछ खास ठीक नहीं लग रहे थे। बीच बीच में बिजलियां चमक रही थी और साथ ही साथ बादल भी गरज रहे थे। इतने में ही सुंदर ने मुझसे कहा, भाई जरा जल्दी पैर चला, कहीं बारिश आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस जंगल में कहां रुकेंगे हम लोग? इस पर मैंने अपना सिर हां में हिलाते हुए पैरों की रफ्तार को तेज कर दिया और तेजी से पैंडल मारने लगा। मगर कहते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। हम तेजी से कुछ आगे गए ही थे कि तभी हमसे भी ज्यादा तेजी से बारिश ने हमला बोल दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और ना ही सुंदर को। उस वक्त हमें कुछ सूझा नहीं तो हम रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी और साथ ही साथ बादलों की गर्जन उस माहौल में डर घोल दे रही थी। आसपास अंधेरा इतना ज्यादा फैला हुआ था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में बिजली चमकने की रोशनी से ही थोड़ा बहुत दिख रहा था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने हमसे कुछ ही दूरी पर चल रही लाइट जैसी कुछ चीज पर गई। पर चूंकि वो हमसे काफी दूरी पर था इसलिए साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो है क्या। जिस पर मैंने सुंदर से कहा, वो देख उधर, वो सामने कुछ चमक रहा है ना। सुंदर मेरे इशारे की ओर पलटा और कुछ देर तक उस चमकती हुई चीज को देखने के बाद सुंदर ने कहा, हाँ यार लगता है वहां कोई दुकान है, पर उस जगह पर तो एक कब्रिस्तान था, फिर वहां दुकान किसने लगाया होगा? इस पर मैंने कहा, जिसने भी लगाया हो हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा ना, वहां जाकर आराम से बारिश रुकने का इंतजार भी करेंगे। यहाँ इस मौसम में पेड़ के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं रहेगा। सुंदर मेरी बात से सहमत था, लिहाजा हम दोनों ने उसी वक्त पेड़ों की आड़ में उस रोशनी की तरफ जाना शुरू कर दिया। साइकिल धक्का देते देते जब हम उस रोशनी के करीब पहुंचे तो सुंदर का अंदाजा एकदम सही निकला। वो एक चाय की दुकान थी। दुकान पर चाय वाले के अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं था और वो चाय की दुकान ठीक कब्रिस्तान के दरवाजे के बगल में बनी हुई थी। खैर हम दोनों उस दुकान में लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गए। दुकान की छत टीन की शेड से बनी हुई थी जिस वजह से बारिश के तेज बूंदों की आवाज हमारे कानों में चुभ सी रही थी। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी सुंदर ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये चाय वाला चाय क्यों बना रहा है, यहाँ पर तो इसकी चाय पीने वाला कोई है ही नहीं। इस पर मैंने धीरे से सुंदर को चुप रहने का इशारा किया क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। अभी हम दोनों चुपचाप वहां बैठे ही थे कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से चलते हुए एक आदमी चाय की दुकान पर आया और चाय वाले से कहा, बन गई चाय, तब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लाइए। इस पर उस चाय वाले ने कहा, हाँ हाँ बन गई, अभी केतली में डालकर देता हूं। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये आदमी कब्रिस्तान के अंदर से कहां से आया, ये कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहा था और ये किन लोगों के लिए चाय ले जा रहा है। मेरे सारे सवाल जहन में घूमने लगे। खैर उस चाय वाले ने उस आदमी को केतली में चाय डालकर दिया और वो आदमी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उस आदमी के जाते ही चाय वाले ने हम दोनों की तरफ देखा और हमसे कहा,
चाय पियेंगे साहब। चाय वाले की बात पर हम दोनों ने अपना सिर ना में हिलाया। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, चाय वाले से पूछता हूँ कि आखिर वो आदमी था कौन जिस पर मैंने चाय वाले के करीब जाते हुए कहा, भाई साहब वो आदमी कौन था जो अभी चाय लेकर कब्रिस्तान के अंदर गया। इस पर उस चाय वाले ने कहा, वो तो कब्रिस्तान में ही रहता है, वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग हैं उसके साथ, दिन भर सब सोते रहते हैं और रात को जागते हैं। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये चाय वाला किन लोगों की बात कर रहा है। अभी मैं उस चाय वाले से दोबारा पूछने जा ही रहा था कि तभी कब्रिस्तान के अंदर से एक आवाज आई, सुरेश ये ले तेरी केतली। और इसी आवाज के साथ कब्रिस्तान के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकला। उस हाथ की कलाई में केतली थी। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे हट गया, मेरा दिमाग सुन्नसा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना लंबा हाथ किसी इंसान का कैसे हो सकता है। इतने में ही पीछे से सुंदर ने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे खींच कर साइकिलों के पास ले गया, जिसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और बारिश में भींगते हुए ही अपने घर की तरफ भाग गए। हम भाग रहे थे कि तभी हमारे कानों में पीछे से एक आवाज आई, साहब चाय नहीं पीजिएगा। मगर हम रुके नहीं और भागते हुए सीधे घर आ गए। कुछ दिनों तक हमने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बाद में जब हमने ये बात सबको बताई तो किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। पर उस रात हमारे साथ जो हुआ उसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।